नमस्कार, मैं विवेक इनोवेटिव सिस्टम से। मैं आपको पॉज स्केल के अंदर पेन ड्राइव को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आपने मशीन को ऑफ करना है, एंटर दबा के ऑन करना है आपने मशीन को। मशीन कोड पूछेगी, कोड डालना है आपने 4x0। इसके बाद आप मशीन को पेन ड्राइव कनेक्ट करेंगे। मशीन में पेन ड्राइव कनेक्ट करने में चार ऑप्शन आएंगे आपके पास, 1, 2, 3, 4। पहले नंबर पर आइटम राइट, दूसरे नंबर में आइटम रीड, तीसरे नंबर में DSRC, चौथे नंबर पर DSRP। राइट करने के लिए आप एक नंबर प्रेस करेंगे, रीड करने के लिए दो नंबर प्रेस करेंगे, DSR चेक करने के लिए, करंट DSR चेक करने के लिए तीन नंबर प्रेस करेंगे, प्रीवियस DSR चेक करने के लिए चार नंबर प्रेस करेंगे। अभी मैं रीड कर रहा हूँ मशीन को और मैंने दो नंबर प्रेस किया, प्लीज़ वेट लिखाया और ये मशीन ने रीड करना शुरू कर दिया। ये मशीन अपनी पूरी जितनी आइटम आपने भरी होंगी उसको रीड करेगी और रीड करने के बाद डन का सिग्नल दे देगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जब हम मशीन ऑफ करके ऑन करते हैं USB ओके लिखे आना चाहिए। जब मशीन पे आप देखेंगे तो USB ओके लिखा आएगा। USB ओके का मतलब है ये मशीन पेन ड्राइव की है और आपका USB पोर्ट वर्किंग है। बस इस चीज़ का आपने मेन ध्यान रखना है। अभी ये मशीन अपने को रीड कर रही है, आइटम रीड कर रही है नीचे। ये इसमें मैंने 299 आइटम भरी हैं और ये पूरी आइटम 299 आइटम रीड करने के बाद ये इसको डन कर देगा। ओके, बस इसी तरीके से आपने पेन ड्राइव दोबारा बाहर निकाल लेनी है। अब मैंने दोबारा राइट करना है तो मैं मशीन को पेन ड्राइव में कनेक्ट करूँगा। अब मैंने राइट करना है तो मैं एक नंबर प्रेस कर दूँगा। ये दोबारा ये पेन ड्राइव से मशीन राइट हो रही है, वही 299 आइटम को वो करेगी। जितनी आइटम आपने भरी है, आपने 20 आइटम भरी है, 30 आइटम भरी है, जो भी आपने भरी है वो इसको राइट करके और डन कर देगी। इसी तरीके से आपने चारों रिपोर्ट आप ले सकते हैं। अभी ये रिपोर्ट पूरी होने वाली है इसकी। थैंक यू।